हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है गुडविल कि गुडविल होती क्या है। ओके, इसके फीचर्स क्या हैं और इसका जो है एक तरीके से नेचर भी हम इस क्लास में रीड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम रीड करते हैं मीनिंग ऑफ गुडविल कि गुडविल होती क्या चीज़ है। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ मैंने लिख रखा है, गुडविल मीन्स द रेपुटेशन अर्न बाई ए फर्म थ्रू द हार्डवर्क एंड ऑनेस्टी ऑफ ऑनर्स। ठीक है, यानी कि एक बिजनेस का जो ऑनर है वो अपनी हार्डवर्क करके और ऑनेस्टी से जितना भी प्रॉफिट अर्न करेगा, ठीक है, तो आप उसको जो है एक तरीके से गुडविल कहेंगे। और उस प्रॉफिट को अर्न करने से ऑब्वियसली बात है कि उसकी जो रेपुटेशन है मार्केट में वो इंक्रीज होगी। ठीक है, तो रेपुटेटेड जो पर्सन होते हैं उनकी गुडविल ऑटोमेटिक इंक्रीज होती है मार्केट में। तो यहाँ पर जो है एक तरीके से मीनिंग ऑफ गुडविल अगर हम देखें तो एक तरीके से जो है हम लोग प्रॉफिट को ही गुडविल बोल सकते हैं। अगर पर्टिकुलर किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट इंक्रीज होता है तो उसकी गुडविल भी जो है एक तरीके से ऑटोमेटिक इंक्रीज होती है। ठीक है, तो यहाँ गुडविल का जो है सिंपल मीनिंग में हम ये भी बोल सकते हैं एक तरीके से कि गुडविल मीन्स प्रॉफिट। ओके, जितना प्रॉफिट इंक्रीज होगा बिजनेस का उतनी ही उस बिजनेस की गुडविल भी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, चलिए, तो यहाँ पर जो एक तरीके से रेपुटेशन कह लीजिए या फिर कोई पर्सन या कोई बिजनेस अपने आप को ज़्यादा फेमस कर लेता है, उसकी इमेज जो है मार्केट में अच्छी हो जाती है। ठीक है, उसकी रेपो ज़्यादा अच्छी हो जाती है तो वो सब जो है एक तरीके से गुडविल ही कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है जो है हमारा वो फीचर्स ऑफ गुडविल है। ठीक है, अच्छा, इसका एग्जांपल जो है एक तरीके से आप अपनी तरफ से बना सकते हैं। आप जो है जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया के जो है किसी फेमस जो पार्टनरशिप फर्म होगी या फिर कोई एक तरीके से शॉप होगी, ठीक है, जो अदर शॉप के कंपैरिजन में जो है एक तरीके से जिसके कस्टमर कम है या फिर जो प्रॉफिट कम अर्न करती है, ठीक है, तो उसकी गुडविल एक बार आप लोग जो है एक तरीके से चेक कर सकते हैं प्रॉफिट के थ्रू। और एक जो रेपुटेटेड पर्सन है, ठीक है, जिसकी इमेज जो है आपके यहाँ पर अच्छी है, ठीक है, उसका प्रॉफिट जो है एक तरीके से भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये जो है एक तरीके से एग्जांपल है जो मैंने आपको बताया कि आपके एरिया में जो भी कोई रेपुटेटेड पर्सन है तो वो एक तरीके से, इसका मतलब आप ये समझना, वो उसकी गुडविल अच्छी है क्योंकि वो प्रॉफिट ज़्यादा अर्न कर रहा है अपने जो है एक तरीके से कंपटीटर्स के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये सारा गुडविल का ही जो एक तरीके से खेल होता है। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा फीचर्स ऑफ गुडविल। तो फीचर्स ऑफ गुडविल में जो फर्स्ट फीचर आती है वो इट इज़ एन इनटेंजिबल एसेट्स। देखिए, एसेट्स को वैसे तो कई टाइप है लेकिन जो मेन जो एक तरीके से मैं आपको टाइप बता देता हूँ, जैसे टेंजिबल और एक इनटेंजिबल एसेट्स होती है। ठीक है, टेंजिबल एसेट्स मतलब जिसको आप एक तरीके से टच कर सको, जिसकी फिजिकल एक्सिस्टेंस होती है, जिसको आप जो है फील कर जो एक तरीके से सीन कर सको, वो सारी आपकी टेंजिबल होती है। और इनटेंजिबल एसेट जिसको आप जो है एक तरीके से टच भी नहीं कर सकते, सीन भी नहीं कर सकते, इसको केवल एक तरीके से आप लोग फील कर सकते हो। ओके, इसके कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं होती, इसको आप जो है एक तरीके से इनटेंजिबल एसेट्स कहोगे। ठीक है, ओके, देन नेक्स्ट जो आता है पॉइंट है वो इट इज़ ए वैल्यूएबल एसेट्स। वैल्यूएबल एसेट्स का मतलब, देखिए, हमारी जो एक तरीके से कुछ एसेट्स जो है फिक्टिटियस एसेट्स होती हैं। ठीक है, जो नॉमिनल एसेट्स भी आप उसको बोल सकते हो कि केवल वो नाम मात्र एसेट्स होती है, केवल नाम नाम की एसेट्स होती है। ठीक है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का अगर मैं बात करूँ, लॉस हो गया, ठीक है, और जैसे बहुत से आइटम ऐसे हैं जो मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोगों को फिर समझ में नहीं आएंगे। तो इसमें फिलहाल तो आप यही समझिए कि नॉमिनल जो एक एसेट्स है वो लॉस होता है। ठीक है, केवल नाम की ही जो एसेट्स हैं, तो यहाँ पर जो है ये हमारे जो सेकेंड पॉइंट है, गुडविल जो है एक तरीके से नॉमिनल एसेट्स यानी कि फिक्टिटियस एसेट्स ना होके वैल्यूएबल एसेट्स कहलाती है। ठीक है, यानी कि गुडविल जो है एक तरीके से, सबसे पहली बात, गुडविल एक एसेट्स होती है। ठीक है, कौन सी एसेट्स होती है? टेंजिबल, इनटेंजिबल, इनटेंजिबल एसेट्स होती है। और उसके बाद क्या इसकी वैल्यू होती है? बिल्कुल होती है। तो इसलिए जो है एक तरीके से यहाँ पर जो है आपको मैं बता रहा हूँ कि जो गुडविल है हमारी वो वैल्यूएबल एसेट्स होती है। ठीक है, इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है। ओके, देन हालांकि इसकी कोई जो है तरीके से हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि जो है टाइम टू टाइम जो है ये चेंज होती रहती है। ठीक है, जो जो जैसे जैसे सर्कमस्टांसेस होती रहती है उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होती रहती है। ठीक है, बट ये वैल्यूएबल एसेट्स है। ओके, इसको जो है मनी में मेजर कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। देन इसके बाद इट इज़ हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, गुडविल का मतलब होता है प्रॉफिट।
ठीक है। तो यहाँ पर किसी भी बिजनेस की या किसी भी फर्म की जितनी ज़्यादा गुडविल होगी तो वो जो है एक तरीके से हेल्प करेगा आपको मोर प्रॉफिट यानी कि एक्सेस प्रॉफिट अर्न करने में। ओके, द नेक्स्ट है हमारा, इट इज़ सेल विद बिजनेस ओनली। ओके, देखिए हर बिजनेस की गुडविल होती है। सबसे पहली बात तो आप ये जानें कि चाहे बिजनेस लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल, चाहे किसी स्केल का हो, उसकी गुडविल होती है, अपनी खुद की गुडविल है, ठीक है, या फिर जो है एक तरीके से परचेज गुडविल है, वो बात की बात है। फिलहाल हर बिजनेस की गुडविल होती है, ठीक है। तो आप उस गुडविल को अकेले नहीं बेच सकते, सोल्ड नहीं कर सकते। ओके, गुडविल जो है एक तरीके से सेल कब होगी, जब आप एंटायर बिजनेस, सारे का सारा बिजनेस जो है सोल्ड कर दोगे, तभी उस बिजनेस की गुडविल जो है एक तरीके से सेल होगी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आप अपने जो है एक तरीके से बिजनेस में से केवल गुडविल को ही सोल्ड कर रहे हो, ठीक है। गुडविल सोल्ड कब होगी, गुडविल सोल्ड जब होगी जब आप जो है एक तरीके से अपना सारा बिजनेस किसी अदर पर्सन को जो है सोल्ड कर दोगे या फिर किसी के साथ मर्ज हो जाओगे, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट है, इट्स वैल्यू फ्लक्चुएट टाइम टू टाइम, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि गुडविल जो है एक तरीके से टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, ठीक है। आज कुछ और होगी, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ईयर कभी कुछ और हो जाएगी, तो इस वजह से जो है कभी भी गुडविल की जो है एग्जैक्ट वैल्यू आप लोग डिसाइड नहीं कर सकते, ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। ओके, द नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है हमारा, इट्स वैल्यू इज़ लाइबल टू कॉन्स्टेंट फ्लक्चुएशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि गुडविल जो है ना, गुडविल की जो वैल्यू होती है उसमें जो है एक तरीके से अप एंड डाउन यानी कि फ्लक्चुएट जो है होता ही रहता है, ठीक है, क्योंकि इसकी जो आप एग्जैक्ट वैल्यू है वो पता नहीं लगा सकते इस वजह से, ठीक है। क्योंकि ना एक बिजनेस जो है ज़रूरी नहीं कि हमेशा ही प्रॉफिट अर्न करता रहेगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी जो है तरीके से एक बिजनेस कभी तो कम प्रॉफिट अर्न करता है, कभी ज़्यादा करता है, फिर कम करता है, कभी ज़्यादा करता है, ठीक है। जैसे मार्केट में रिसेशन और बूम आते हैं, उसी तरीके से मैं यही बात बता रहा हूँ आप लोगों को कि जो एक तरीके से गुडविल है उसकी वैल्यू में भी जो है एक तरीके से फ्लक्चुएशन होता रहता है, ठीक है। तो चलिए देन इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ गुडविल। नेचर ऑफ गुडविल में जो है तरीके से क्या है, देखिए जी, सबसे पहली बात तो है गुडविल का नेचर ये है कि इट इज़ ए वैल्यूएबल इंटेंजिबल एसेट्स। ये एक एसेट्स तो है, बट कौन से नेचर के एसेट्स है, इंटेंजिबल नेचर के एसेट्स है, ठीक है, जिसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, ठीक है। हालांकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, बट इसकी वैल्यू होती है। ओके, इसके बाद है इट इज़ नॉट डेप्रिसिएटेड। ओके, डेप्रिसिएटेड, सुनिए, टेंजिबल एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगता जो है एक तरीके से चार्ज किया जाता है, बट इनटेंजिबल एसेट्स पे कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया जाता। इसको हम एमोर्टाइज्ड करते हैं, इसको हम राइट ऑफ करते हैं, ठीक है। एक बात ध्यान दें आप सभी, ये क्वेश्चन भी जो है एक तरीके से पूछा जा सकता है वैसे ही जो है जनरली कि इनटेंजिबल एसेट्स क्या डेप्रिसिएट होती है, तो आप लोग जो है उसको मना करना, इनटेंजिबल एसेट्स कभी डेप्रिसिएट नहीं होती, वो एमोटाइज या फिर राइट ऑफ होती है, ठीक है। तो टेंजिबल एसेट्स जो है हमारी डेप्रिसिएट होती है, बट इनटेंजिबल राइट ऑफ होती है। ओके, तो ये जो है एक तरीके से इट इज़ नॉट डेप्रिसिएटेड लाइक टू टेंजिबल एसेट्स, ये टेंजिबल एसेट्स की तरह इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया जाता। ओके, उसके बाद है गुडविल जो है एक तरीके से इनटेंजिबल होने के कारण ना तो इसकी जो है फिजिकल एक्सिस्टेंस होती है, ना ही इसको जो है आप जो है टच कर सकते, ना ही इसको आप लोग जो है एक तरीके से देख सकते। ओके, तो ये जो है एक तरीके से हमारा टॉपिक था गुडविल का। इसके बाद जो हम नेक्स्ट क्लास में वो रीड करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि गुडविल को, गुडविल पे अपना जो है इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। और देन उसके बाद एक और टॉपिक हमारा कि किस किस जो है कारणों से यानी कि जो एक तरीके से गुडविल की वैल्यूएशन करने की रिक्वायरमेंट होती है, और उसके बाद जो है इसका जो टॉपिक है वो क्लासिफिकेशन ऑफ टॉप जो है गुडविल भी होगा, ठीक है। तो वो हम रीड करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और उसके बाद अगली क्लास में जो है यानी कि नेक्स्ट से नेक्स्ट क्लास में जो है फिर हम गुडविल के जो है वैल्यूएशन ऑफ मेथड रीड करेंगे, ठीक है, कितने मेथड। ओके।